मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गांव का एक लड़का जो कि रिपोर्टर को जंगल के बीचों बीच ले जाता है, जहां पे बहुत से लोगों की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। रिपोर्टर महिषा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जैसे ही अपना कैमरा निकालता है तो वो देखता है कि वहां पे एक नेकेड लड़की जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रही है। ये देखकर गांव का लड़का वहां से भाग जाता है और महिषा उसकी कुछ फ़ोटोज़ लेने लगता है। तभी वो देखता है कि गांव के कुछ लोग वहां पे आ जाते हैं और उस लड़की को उठाकर कहीं पे ले जाते हैं। ये देख महिषा भी उनका पीछा करते करते वहां पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि गांव के लोगों ने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनाई है जहां पे वो उस लड़की को लेकर गए हैं। ये देखकर महिषा झोपड़ी के अंदर जाता है और देखता है कि गांव के लोगों ने वहां पे 3 लड़कियों को बांध के रखा है। ये देख महिषा हर एक लड़की के पास जाता है कि तभी उनमें से एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखती है, उसे देखकर महिषा बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे झोपड़ी के बाहर गिर जाता है। तभी गांव के लोग उसे बाहर देख लेते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। ये देख महिषा वहाँ से अपनी जान जैसे तैसे बचा के भाग जाता है। फिर हमें मूवी में 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे महिषा हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा होता है। फिर एक आदमी महिषा को अंदर बुलाता है और कहता है कि उसके पास एक सेलिब्रिटी केस है। तभी आशा वहाँ पर अपना पर्स और फ़ोन भूल जाती है, लेकिन बाद में महिषा आशा को उसका पर्स और फ़ोन लौटा देता है। ये देखकर आशा बहुत खुश होती है और महिषा को थैंक्स बोलती है। अब घर आकर आशा अपने बॉयफ्रेंड कैल्विन से मिलती है और कैल्विन को बोलती है कि सिंथिया ने उसे बताया था कि उसके पीछे किसी का साया था, लेकिन कैल्विन उसे इस बारे में बात करने से मना कर देता है और कहता है कि उसके पास बहुत सारे और भी काम पड़े हैं। कैल्विन के जाने के बाद आशा घर पे अकेली हो जाती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागकर ऊपर चली जाती है और कुछ दवाइयाँ लेने लगती है। आशा किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज़ें उसे और ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से आशा बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है। तभी उसे एक सोल दिखाई देती है जिसे देखकर आशा बेहोश हो जाती है। अब जब आशा को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड में पाती है और उसके सामने उसकी मदर बैठी होती है जो उसे गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद आशा कैल्विन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन कैल्विन काम में बिजी होने के कारण आशा को मना कर देता है। और फिर वहाँ पे महिषा आ जाता है। वो आशा से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। आशा उसे कहती है कि वो उसे सारी बातें डिनर पे बताएगी। फिर आशा और महिषा दोनों डिनर के लिए जाते हैं। तभी आशा महिषा को अपने घर को हॉन्टेड बताती है और फिर महिषा आशा से पूछता है कि उसकी दोस्त सिंथिया की मौत कैसे हुई। फिर आशा महिषा को बताती है कि उसकी दोस्त सिंथिया ने उसे बताया था कि उसके पीछे डीमंस का साया पड़ा है और उन्होंने सिंथिया को अपने वश में कर लिया है, और वो ये बोलती है कि उसी की वजह से सिंथिया की मौत हुई थी। फिर आगे वो बताती है कि उसके साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि सिंथिया के साथ में हुई थी, और उसको डर है कि वो डीमंस उसकी जान भी ना ले ले। और वो महिषा को अपने घर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम खुद घर आकर सब कुछ अपनी आँखों से देख लो। तभी महिषा आशा से बोलता है कि हाँ, वो ज़रूर उसके घर आएगा। और फिर आशा और महिषा डिनर के बाद आशा के घर चले जाते हैं। फिर महिषा आशा को आराम से सो जाने को कहता है और इतना कहकर महिषा उसके रूम में एक कैमरा लगा देता है ताकि वो ये पता लगा पाए कि आशा के साथ सोने के बाद क्या क्या हरकतें होती हैं। महिषा को फिर आशा कहती है कि ये वीडियो प्राइवेट ही रखना। तभी महिषा आशा को बोलता है कि हाँ, ये वीडियो प्राइवेट ही रहेगा। और उसके बाद आशा बेड पे आराम से सो जाती है और फिर तभी महिषा को नीचे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे जाता है तब कोई सामान उसे ज़मीन पे गिरा हुआ दिखाई देता है। फिर वो उसे उठाकर उसी जगह पे रख देता है, जिसके बाद उसे खिड़की खुल
जिसके बाद खिड़की खुल जाती है। फिर वो खिड़की बंद कर देता है, तभी वो देखता है कि आशा उसके सामने है, जो कि स्लीप वॉक करते हुए नीचे आ गई थी और वो दरवाजे पे अपना सर पटक रही थी। वो आशा को ऊपर ले जाता है और तभी उसे ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दौड़कर ऊपर जाता है और देखता है कि बेड पे भी आशा है। फिर ये सब देखकर महिषा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि दो दो आशा उसके सामने हैं और उसे समझ नहीं आता कि उन दोनों में से रियल आशा कौन सी है। लेकिन तभी वो देखता है कि सीढ़ियों वाली आशा अचानक गायब हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक डीमन था। फिर असली वाली आशा महिषा के पीछे आकर उसे टच करते हुए बोलती है कि क्या सब कुछ ठीक है ना, तो महिषा उसे जवाब में बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। फिर सीन हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे महिषा अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा होता है कि वो तभी देखता है कि आशा पहले बेड में लेटी है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप हवा में झूलने लगती है। ये देखकर महिषा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि डीमंस ने आशा को अपने वश में कर लिया है। और फिर महिषा आशा को एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक उसे देखकर ही समझ जाता है कि आशा को डीमंस ने अपने वश में कर लिया है। वो महिषा को बताता है कि उसके अंदर डीमन नहीं बल्कि बहुत सारे जिन्स हैं, जो कि उसके अंदर डाले गए हैं किसी मकसद को पूरा करने के लिए। बदले में वो जिन्स आशा की आत्मा को ले लेंगे। महिषा तांत्रिक से बोलता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसे तांत्रिक महिषा को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, जिससे आशा कहती है कि मुझे डर लग रहा है। फिर वहाँ पर आसपास की चीज़ें गिरने लगती हैं और फिर आशा के अंदर का जिन बाहर आने लगता है। तभी तांत्रिक उसे कहता है कि चले जाओ, जिससे वो जिन आशा को छोड़कर चले जाता है। और फिर महिषा सोचता है कि जिन्स ने आशा को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और वो ठीक हो गई है। फिर रात को महिषा आशा के लिए गिफ्ट भिजवाता है कि तभी वहाँ पे केल्विन आ जाता है और वो भी आशा के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। तभी आशा महिषा के गिफ्ट को छोड़कर केल्विन के गिफ्ट को देखने लगती है। लेकिन तभी आशा को महिषा की कही हुई बात याद आ जाती है कि आशा की तरफ जो भी अट्रैक्ट हो रही हैं वो सब उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उन लोगों को जिन उसकी तरफ अट्रैक्ट करवा रहा है। तभी आशा केल्विन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था, तो केल्विन कहता है कि मुझे तुमसे प्यार पहली नज़र में ही हो गया था। तभी आशा समझ जाती है कि महिषा उसे सही बोल रहा था। जो रात आशा महिषा के घर जाती है, तो महिषा आशा से पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, तो आशा बताती है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन केल्विन है। तभी महिषा यहाँ पर आशा से कहता है कि केल्विन तो पहले से ही शादीशुदा है, और फिर आशा इस बात पर कुछ नहीं बोलती। इसके थोड़ी देर बाद आशा महिषा के घर से चली जाती है, तो महिषा को केल्विन के गुंडे किडनैप कर लेते हैं और महिषा को केल्विन के पास ले जाते हैं। फिर केल्विन महिषा से पूछता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से क्यों मिल रहा है, तो महिषा कहता है कि वो आशा की हेल्प कर रहा है। लेकिन केल्विन महिषा को बुरी तरह मारता है और कहता है कि वो उससे दूर रहे। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में आशा अपनी अगली फिल्म के लिए इंटरव्यू देती है, तभी वो उन लोगों में से एक डीमन को देख लेती है, जो उसे बुरी तरीके से घूर रहा होता है और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इतना डर जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। ये सारी चीज़ें महिषा भी देख रहा होता है। इसके बाद महिषा आशा को घर ले जाता है और महिषा आशा की दोस्त से पूछता है कि आखिर ये सारी चीज़ें आशा के साथ क्यों हो रही हैं। फिर आशा की दोस्त ये बताती है कि आशा तीन लड़कियों के साथ फिल्म स्टार बनने यहाँ पे आई थी, और जहाँ से आशा आई थी वहाँ के लोगों ने आशा को कुछ ऐसी चीज़ें दी, जिससे आशा रिच लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए और उनसे पैसे ले पाए। और फिर महिषा उससे पूछता है कि क्या वो लोग कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ ये ब्लैक मैजिक करते हैं, यानी कि इन तीन लड़कियों को कुछ मंत्र दिए गए थे जिनको पढ़कर वो कम समय में ही पॉपुलर हो गई थी और रिच लड़के उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, जिनसे वो पैसे लिया करती थी। आम तौर पर आशा के अंदर जो जिन्स हैं वो अमीर लड़कों को आशा की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनकी दौलत पर आशा के शरीर के जरिए मौज मस्ती करते हैं।
ये सब सुनकर महिषा हैरान हो जाता है और पूछता है कि इस मैजिक से और कितने लोग फेमस और पॉपुलर हुए हैं। वो लड़की महिषा को ये बोलती है कि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा खुलकर इस बारे में नहीं बता सकती। तभी आशा को होश आ जाता है और वो दोनों आशा को संभालने लगते हैं। और आशा यहाँ पे बताती है कि ये सब तब शुरू हुआ जब आशा ने केल्विन के पैसे उड़ाने बंद कर दिए और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लगी। तभी से जिन्स उसे परेशान कर रहे हैं। और फिर आशा कहती है कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। और फिर अगली रात जब महिषा अपने घर पे होता है तो दरवाजे के उस पार से उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। और फिर महिषा दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे आशा खड़ी होती है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रही होती है। फिर वो महिषा के घर के ऊपर जाती है और ऊपर से डायरेक्ट नीचे कूद जाती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदती है महिषा उसे पकड़ लेता है और किसी तरह उसकी जान बचा लेता है। और फिर आशा गिरने के बाद चिल्लाने लगती है और फिर शांत हो जाती है। महिषा अब उसको लेकर उसकी माँ के पास जाता है और बताता है कि उसके अंदर बहुत सारे जिन्स हैं। और आशा की माँ आशा को अंदर लेकर जाती है और महिषा आशा के घर में देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे हैं और अजीब सा रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं। तभी एक लड़की ड्रिंक लेकर आती है जिसमें ब्लैक और वाइट कलर की ड्रिंक होती है। महिषा को वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहा हो, इसीलिए वो ड्रिंक को पीने का दिखावा करता है और उसे अपने कपड़ों पर जानबूझकर गिरा देता है ताकि वो वहाँ से बाहर जा पाए। जब महिषा बाहर आता है तो उसे आशा के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो खिड़की से उस रूम की तरफ देखने लगता है और देख लोगों ने आशा को चेयर पे बैठा रखा था और आशा की माँ एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। तभी आशा की माँ सामने बैठे आदमी से पूछती है कि आशा को जिन कब छोड़ेंगे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि जिन आशा को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आशा जिन के लिए पैसे नहीं ला रही है और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, इसीलिए जिन उससे नाराज़ हो गए हैं, उससे तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आशा की माँ उस आदमी से बोलती है कि ये तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से ही सिंथिया की जान भी गई है, अब आशा का भी वही हाल होने वाला है। तभी इस बात से पता चलता है कि इन सब के पीछे उसकी माँ और उन गाँव के लोगों का हाथ था। महिषा भी ये सुनकर समझ जाता है कि ब्लैक मैजिक के पीछे उसकी माँ और गाँव के लोगों का हाथ है, जिससे डरकर महिषा वहाँ से भागने लगता है कि तभी आशा की माँ उसे देख लेती है और फिर आशा उसे पुकारने लगती है कि तभी महिषा आशा के पास वापस आ जाता है जहाँ पर आशा की माँ महिषा से कहती है कि तुम आशा का ख्याल रखना और उसकी माँ वहाँ से उन दोनों को भेज देती है। अब जब आशा घर पहुँचती है तो वो अपनी दोस्त को पाती है। फिर आशा की दोस्त उसको वही ब्लैक वाइट ड्रिंक बनाकर देती है जिसको आशा को पीने के लिए कहा जाता है। और ये ड्रिंक ब्लैक मैजिक वाली होती है, इसका मतलब जो उसकी दोस्त थी वो इस लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश थी लेकिन आशा अब साधारण ज़िंदगी जीना चाहती थी, इसीलिए जिन आशा को बहुत परेशान कर रहे थे। अगले दिन महिषा जब मस्जिद में जाता है और मौलवी से मिलता है और वो उनको आशा के बारे में सब बता देता है। तभी मौलवी बताते हैं अल्लाह से बढ़कर कोई पावर नहीं होती, इसलिए अगर आशा अल्लाह की इबादत करेगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पर रुकिया एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ेगा। महिषा मौलवी से बोलता है कि रुकिया के बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। तभी मौलवी बोलता है कि अल्लाह को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर महिषा आशा के पास उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, तो आशा हाँ बोलती है। महिषा आशा से पूछता है कि उसने आखिरी बार अल्लाह को कब याद किया था। फिर आशा बोलती है कि उसे अल्लाह की इबादत किए हुए बहुत साल बीत गए हैं। फिर महिषा आशा से बोलता है कि अब अल्लाह की इबादत ही उसकी जान बचा सकती है। और आशा जब नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम जाती है तो उसके हाथ जलने लगते हैं क्योंकि जिन्स नहीं चाहते थे कि आशा अल्लाह की इबादत करे, इसलिए जब वो नमाज पढ़ने बैठती है तो
जिंस उसे उठाकर पटक देते हैं। वहीं महिषा आशा को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती, और फिर महिषा देखता है कि आशा की पूरी जीभ बाहर निकल जाती है जिससे आशा को बहुत दर्द होता है, और फिर आशा दीवार पर चढ़ने लगती है जिसको देखकर महिषा काफ़ी डर जाता है। यहाँ पर महिषा ने जिन के द्वारा पसिस्ट हुई लड़की पहली बार देखी थी। फिर जब आशा नीचे आती है तब महिषा आशा को उठाकर एक पुराने हॉस्पिटल में ले जाता है ताकि महिषा वहाँ पे आशा के ऊपर रुकिया परफॉर्म कर पाए। अब हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आशा का बेड जंगल के बीचों बीच है। वहाँ पर वो अकेली होती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। अब कुछ सामान खरीदता है और हॉस्पिटल आ जाता है लेकिन वहाँ आशा नहीं होती, जिसके बाद महिषा आशा को ढूंढता है और वो मिल जाती है, और वो महिषा को ही घूरे जा रही होती है। और फिर महिषा आशा को लेकर बेड पर सुला देता है। दूसरी तरफ आशा की माँ एक रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है ताकि आशा को पहले जैसा बनाया जा सके, यानी कि जहाँ पर वो दुनिया से पैसे लूटती थी। जिसके बाद में जिन वहाँ आ जाते हैं और आशा की बॉडी को छूने लगते हैं, लेकिन तभी महिषा उन हाथों को देख लेता है और डर भी जाता है, लेकिन तब भी वो आशा को संभालने की कोशिश करता है और वो उसको सुला देता है और फिर खुद भी सो जाता है। और कुछ देर बाद महिषा की आंखें खुलती हैं तो वो ये देखता है कि आशा उसी के सामने बैठी है, और उसको देखकर महिषा बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी आशा वहाँ से गायब होकर अपने बेड पर चली जाती है और महिषा को देखकर हंसने लगती है। और यहाँ पर पता चलता है कि जिन महिषा को डराने की कोशिश करते हैं। इस बीच कैल्विन आशा के घर जाता है लेकिन वहाँ पर आशा नहीं मिलती। फिर कैल्विन महिषा अब आशा को बांध देता है ताकि वो उसके ऊपर रुकिया परफॉर्म कर पाए। तभी महिषा को कैल्विन का कॉल आता है और कैल्विन उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद महिषा बोलता है कि वो आशा के ऊपर रुकिया परफॉर्म करने वाला है और आशा को जिन्स ने अपने अधीन कर लिया है। तभी कैल्विन महिषा को पुलिस की धमकी देता है लेकिन महिषा नहीं डरता। फिर आशा महिषा को घूरने लगती है और हंसती है। फिर महिषा अल्लाह का नाम लेता है, जिसके बाद आशा बोलती है कि उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, जो कि आशा के अंदर का जिन बोल रहा होता है, जिसके बाद आशा बेहोश हो जाती है। और अब आशा को हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ पर वो जंगल के बीचों बीच है और आशा को ढेर सारे जिन्स ने घेर रखा है, और जहाँ पर जिन ने आशा की रूह को कैद करके रखा होता है और वो आशा को परेशान कर रहे होते हैं। अब रात को जब महिषा रुकिया परफॉर्म करने के लिए सामान लाता है तो वो देखता है कि आशा की रस्सी खुली है और वो आज़ाद हो गई थी। उसके बाद वो महिषा को उठाकर पटक देती है। फिर आशा दीवार पर चढ़ने लगती है और हंसती है। तभी महिषा वहाँ पर अल्लाह का नाम लेने लगता है, जिससे आशा ज़मीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। फिर किसी तरह वो नॉर्मल हो जाती है और महिषा के पास आ जाती है, जिसके बाद महिषा आशा को फिर से बेड में सुलाकर बांध देता है और तुरंत ही होली कुरान पढ़ने लगता है, जिसके बाद जिन्स आशा की बॉडी को छोड़ दे। लेकिन तभी वहां पे कैल्विन पुलिस को लेकर आ जाता है, और जिसके बाद पुलिस महिषा को अरेस्ट कर लेती है। और अब जब कैल्विन आशा को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि आशा जिन्स के अधीन है और महिषा बिल्कुल सही बोल रहा था। और फिर कैल्विन आशा के इस रूप को देखकर उसको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाता है। अब जब पुलिस महिषा को लेकर जा रही होती है तो महिषा आशा की माँ और उन आदमियों को देखता है जो उसे 4 साल पहले उस जंगल में मिले थे। तभी अगले दिन महिषा जेल से छूट जाता है और वो उसी गांव में पहुंच जाता है। वहां से वो आशा को सीधे मस्जिद ले जाता है जहां पर सभी लोग अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। अल्लाह का नाम सुनकर जिन आशा को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ आशा की माँ भी यहां पर सारी चीज़ें सुन रही थी क्योंकि वो इस रिचुअल से जुड़ी थी, क्योंकि उसी ने तो आशा के ऊपर उन जिन्स को लगाया था जिससे कि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी।
की। तभी हम देखते हैं कि आशा की माँ ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है, और उसकी मौत के साथ में ही आशा की बॉडी से सारे जिन्स निकल जाते हैं। अब कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर आशा एक नॉर्मल ज़िंदगी जीती है और पाँचों वक्त की नमाज अदा करती है और हिजाब पहनती है। और फिर महिषा को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार के पास जा रहा होता है, और जब महिषा कार के अंदर जाकर कार बैक कर रहा होता है तो उसे एक लड़की वाइट कपड़ों में दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए वो कार से बाहर आ जाता है तो वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। फिर जब महिषा वापस कार में जा रहा होता है तो वो लड़की उसे कार के अंदर दिखाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से हॉर्न बजा रही होती है और स्टेयरिंग पे अपना सर पटक रही होती है। ये देख कर महिषा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, और इतने में ही यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।